और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2800 RPM की है दोस्तों ये, और इसकी साइज़ आप देख सकते हैं 25x25 mm, और क्लास बी जाता है। ये इसका आगे का ढक्कन है, कुछ इस तरह से आपको दिख रहा होगा। तो दोस्तों ये इसका ढक्कन है और इसके पीछे की तरफ एक फैन लगा हुआ है, आप देख सकते हैं ये फैन गर्म होने से बचाता है। इस तरह का ये फैन है, इसको भी हम निकाल देते हैं। ये फैन कूलिंग फैन है दोस्तों, इससे मोटर ज़्यादा गर्म नहीं होती और ये ठंडी रहती है। कुछ इस तरह से इसका शेप बना हुआ है, तो ये इसके अंदर है और ये यहाँ पर शाफ्ट लगी हुई है। ये अभी जाम है दोस्तों, खुलने रही है, हम इसको घुमाते हैं इससे। तो ये भी जाम है, इस कैपेसिटर आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से खुल जाता है। तो हम इसको बाहर निकालते हैं, ये निकलता है या नहीं। तो दोस्तों ये इसका बैरिंग है, ये अभी निकलेगा। तो इसको हम स्क्रू को खोल देते हैं, तो ये पूरा बाहर निकल जाता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये है पूरा, इसमें मेरे हाथ पूरे ग्रीस में हो चुके हैं, यहाँ पर ग्रीस लगा हुआ है, ऑयल, ये पूरा मेटल का है, आप देख सकते बज रहा है। तो दोस्तों इसके अंदर एक मोटर लगी हुई है, ये मोटर आप देख सकते हैं, ये इसे पूरा कनेक्ट है। तो इसको हम बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, तो कुछ इस तरह से बाहर हो जाती है, वायर कनेक्ट है दोस्तों इसे। तो हम वायर वायर को निकाल देते हैं, सबसे पहले इस कैपेसिटर को हम काटते हैं। तो यहाँ से हम इसको अलग कर रहे हैं, तो दोस्तों ये भी कट नहीं हुआ, तो हम यहाँ से खींच देते हैं, ये पूरा निकल चुका है, अब इसको बाहर निकालते हैं। तो आपके सामने ये इसका अंदर का भाग आप देख सकते हैं, तो
तो दोस्तों कुछ इस तरह से, ये पूरा मेटल से बना हुआ है, यहाँ पर नंबर प्लेट लगी हुई है। ये इसके अंदर आप देखते हैं, इसके अंदर बहुत सारे ये कुछ इस तरह का जाला बना हुआ है, बहुत सारे इसमें जाले फंसे हुए हैं और धूल मिट्टी भी बहुत है। ये मोटर पुरानी होने के कारण बहुत सारे इसमें कुछ लगा हुआ है, और ये एकदम मेटल से बना हुआ है, मेटल की बॉडी है ये, आप देख सकते हैं बजाने पर। यहाँ पर कुछ स्क्रू दिए हुए, ये प्लास्टिक से, ये प्लास्टिक पे है, कुछ टेबल जैसे दिख रहा है, इसके ऊपर ये मोटर कसी हुई है, तो ये तो इसके अंदर है। और दोस्तों ये कैपेसिटर इसके साथ हमें मिला, तो ये कैपेसिटर आप देख सकते हैं ये वर्किंग कंडीशन में है, और ये इसका फैन। तो मेन चीज़ आप आती है हमारे पास, इसको हम साइड में रखते हैं, ये है दोस्तों मेन चीज़ इस मोटर के अंदर, कुछ इस तरह से ये काम करती है। तो हम इसको खोलने की ट्राई करते हैं, खुलता है तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर हम प्लायर से दोस्तों इसके अंदर आप देख सकते हैं, स्क्रू को हम खोलते हैं, ये खुल रहा है दोस्तों अभी, इसको हम डायरेक्ट बाहर निकाल देंगे, बहुत ही टाइट स्क्रू है दोस्तों ये। या आप देख सकते हैं इस तरह का स्क्रू हमें देखने को मिला है इसके अंदर, बहुत सारे स्क्रू है इसके अंदर। तो ये बड़े आसानी से बहुत ही टाइट है, खुलता है या नहीं खुलता, हम ट्राई करते हैं इसको निकालेंगे। तो दोस्तों ये है इसका मोटर के अंदर, तो ये दोस्तों हम आपको बताते हैं, तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही हैवी है, बहुत ही मजबूत है, पूरा लोहे से बना हुआ है। तो ये इसका बेयरिंग होगा इसके अंदर, यहाँ पर टरबाइन घूमता है, और दोस्तों यहाँ से पानी अंदर जाता होगा और रोटेट हो गए, यहाँ से पूरा बाहर निकलता है, और ये एयर पंप है, यहाँ से आप देख सकते हैं एयर फ्लो, एयर जम जाता है इस, आप इसको ट्राई कर सकते हैं खोलने की। तो इसके अंदर एक कुछ नोजल जैसे दी हुई है, आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा दोस्तों। और ये तो अभी बहुत जाम है, हम खोलते हैं इसके अंदर क्या होता है, ये खुल जाए तो ठीक है, नहीं तो ना नहीं खुलेगी। ये तो बहुत ही जाम है, अभी ये नहीं खुलेगा। तो कुछ इसके अंदर होता है मोटर के अंदर, आप देख सकते हैं दोस्तों इस तरह का ढांचा बना हुआ है, और बहुत ही मजबूत है, हैवी है, बहुत ही भारी है दोस्तों ये। तो ये है इसके अंदर, और मेन चीज ये है दोस्तों, ये पूरा इसका आर्मेचर है, बहुत ही वजनदार है, हम इसको उठा रहे हैं, बहुत ही भारी हमें देखने को मिला ये, इसको हम निकालते हैं, निकलता है ठीक है। तो दोस्तों ये इसके अंदर आप देख सकते हैं, ये बहुत ही जाम हो चुका है, इसको हम निकालने की कोशिश करते हैं, यहाँ से हम इसको निकालेंगे।
पूरा लोहे से बना हुआ था, अभी ये पूरा सड़ चुका है पुराना होने के कारण। ये मोटर दोस्तों बहुत पुरानी मोटर है, ये पूरा खम खराब हो चुका है और ये उस पर बाइंडिंग की हुई है तांबे की कॉइल से, तो हम नीचे कर देते। तो दोस्तों ये इसका अंदर का रोटर है, ये कुछ इस तरह से घूमता है और यहाँ पर 230 वोल्ट सप्लाई देने पर ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है और ये इस तरह का ये कॉइल है दोस्तों, ये कॉइल रोटर होती है, तो ये कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनाता है चुंबक जैसा, तभी ये मोटर फास्ट चलती है। ये इसकी कॉइल आप देख सकते हैं किस तरह से बहुत ही हाई लेवल की वाइंडिंग की हुई है, बहुत ही इसके अंदर बहुत सारे तांबे के तार लगे हुए हैं, ये पूरा मैग्नेट बनाते हैं तभी ये कॉइल घूमती है, तो ये मोटर स्टार्ट होगी। तो ये कॉइल बहुत ख़राब है, अभी ख़राब कंडीशन में है, कॉइल तो एकदम नई है, इसके ऊपर ये पतरा सड़ चुका है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने जाना कि एक पानी की मोटर के अंदर क्या होता है, किस तरह से चीज़ें वर्क करती है। इस वीडियो में हमने आपको मोटर को खोल के बता दिया है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए हमारी इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो अभी इस चैनल पर सब्सक्राइबर बहुत कम है, तो जल्दी से आप सपोर्ट कीजिए, तो इस चैनल पे हम रेगुलर वीडियो अपलोड करेंगे, नॉलेजफुल वीडियो, एक्सपेरिमेंट वीडियो। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों, दिवाली स्पेशल वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए, हम वो भी बनाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए। तो इसके आगे भी वाइंडिंग की हुई है और ये बैरिंग लगा हुआ है यहाँ पर, कुछ इस तरह से हमें इस वाटर पम्प के अंदर देखने को मिलता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं एक और किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।